तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। और पावर बीआई में हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि किस तरीके से हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, डेटा को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये हमने आपको कल की क्लास में समझाया था कि गेट डेटा यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हमने कल डिस्कस किया था और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो बात करते हैं कि जब कोई डेटा हम कनेक्ट करने के बाद आखिर हम करेंगे क्या। तो हमने एक डेटा को यहां से कनेक्ट किया, डेटा का टेबल लेता हूं यहां से एंड लोड करता हूं। अब यहां पे मैं डेटा कनेक्ट हो गया और मैं डेटा को अच्छी तरीके से यहां पे देख पा रहा हूं, राइट? डेटा को अच्छी तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो इससे करेंगे क्या? तो बेसिकली इससे हम विजुलाइजेशन करके एक रिपोर्ट बनाएंगे, एक एनालिसिस बनाएंगे जो कि जरूरत है। डिफरेंट डिफरेंट विजुलाइजेशन और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके, तो चलिए बनाते हैं। तो यहां पेज वन है, तो इस पेज उनको हम चेंज करके डैशबोर्ड दे देते नाम, और उसके बाद ये हमारा एरिया है जहां पे हम अपनी रिपोर्ट्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है डेटा। डेटा में समझ लीजिए जो इस पे ई लगा है, ये आपका सम ऑफ है, मतलब कि नंबर्स की फील्ड, फील्ड दर्शाता है कि आखिर इसके अंदर फील्ड कितने हैं। तो ये अगर लगा हुआ है इसका मतलब है कि नंबर्स का फील्ड है, इसमें कुछ टेक्स्ट का फील्ड है और इसमें कैलेंडर डेट है। आप फील्ड को चेंज भी कर सकते हो, यहां पे जाके डेटा में जाके सिलेक्ट कीजिए और मॉडलिंग में आप अपनी फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि आपका नंबर फॉर्मेट क्या है। अगर डेट रीड नहीं किया या टेक्स्ट रीड नहीं किया तो उस केस में आप कर सकते हैं। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन इसमें मेरा ये है कि जब रिपोर्ट हम बनाते हैं तो इस हिसाब से रखेंगे। तो अभी मेरा क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास नेम है, प्रोडक्ट है, इस तरह से अलग अलग बनाना है। तो इसमें कई सारे विजुलाइजेशन है। सबसे पहला ये आपको आता है, ये आपका क्या है इसको बोलते हैं, हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं, गॉज है लेकिन हम लोग इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले क्वांटिटी का, जो हमारी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का गॉज मीटर बताता हूं कि क्या है। ये आपका आपके सामने दिख गया। अब इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग है, समझे? अब इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, ये आपकी फॉर्म यहां पे देखिए, ये आपकी वैल्यू फील्ड्स एंड ये आपके सामने एनालिटिक्स दिख रहा है आपको। तो हम सबसे वैल्यू पे आते हैं, तो हमने क्वांटिटी को यहां पे रखा है और क्वांटिटी का हमने यहां पे सम किया है। सम के अलावा कुछ और चीज चाहिए तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा क्या कि बेसिकली एक एक जो होता है मैक्सिमम टू दिखाता है, हमेशा 50% पे दिखाता है कितना होगा, ठीक है? हेलो, यहां पे मिनिमम वैल्यू, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू का फिल हमने ऐड नहीं किया, ठीक है? तो अगर मैक्सिमम वैल्यू को फिल अगर आप ऐड करना चाहो तो यहां कर सकते हो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है, मेजर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। मेजर्स की कैलकुलेशंस में आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे कि मैक्स, और मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि मैक्सिमम जो होगा हमारा वो होगा ये अमाउंट होगा, ठीक है?
अब यहाँ पे आपका एक मैक्स नाम का आ गया। अब मैं मैक्स में इसको रख देता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। आपको कम करता हूं, ठीक है, जैसे जैसे कम कर रहा हूं ऐसे ऐसे यहाँ पे आपका बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे पैसा 6,52,000 जो है, मान लीजिए टारगेट हो गया, और टारगेट ने कितना परसेंट अचीव किया वो दिखा गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एवरेज जो हमारा फील्ड है, ये जो हमारा फील्ड है, इस फील्ड इस क्वांटिटी फील्ड का एवरेज एवरेज के अकॉर्डिंग या फिर सम के अकॉर्डिंग जो भी करना चाहे यहाँ पे आप कर सकते हैं। टोटल टोटल के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं कि टोटल ओवरऑल है कितना, उसके अकॉर्डिंग कितना है, वो चीजें करना चाहते हैं, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई एग्जैक्ट फिगर है तो भी आप डाल सकते हैं मेजर्स में ले जाके, ओके। अब यहां पे हमारा टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब टारगेट वैल्यू के लिए यहां पे कोई फील्ड रख सकते हैं, यहां पे कोई फील्ड रख सकते हैं कि टारगेट वैल्यू क्या होना चाहिए, या फिर आप फिर से मेजर्स में जाके बना सकते हो कि टारगेटेड जो हमारा है वो है यहां पे, जैसे कि दिया हुआ है टारगेट, मैंने यहां पे टारगेट टारगेट में हमने बोल दिया कि हमारा टारगेट है, हम यहां पे दे देते हैं सम। सम में कौन सा सम, तो मुझे डेटा की क्वांटिटी का सम करना है, क्वांटिटी का सम, और इसको हम डबल कर देते हैं या कुछ भी कर दीजिए, मैं ऐसे ही कर दिया आपको कि आपका टारगेट का यहां आ गया। अब इस टारगेट एक मेरी इसमें दिक्कत हो गई, इसमें हाँ, इसमें हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके बाहर आके मल्टीप्लाई करना है, इस टारगेट को उठा के मैं टारगेट वाले में रख देता हूं। तो यहां पे टारगेट दिख गया कि यहां पे टारगेट था, भाई यहाँ पे क्रॉस रिपोर्ट ऑन करेंगे तो ये आपका कॉल्स डॉट ऑन ऑफ हो जाता है। ये होता है कि आपका जैसे कि अलाउ करते हैं कि पेज जो है रिपोर्ट के लिए ड्रिल टारगेट है या नहीं है, एक मिनट इसको बड़ा करने के, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ कोई चेंजिंग तो कोई नहीं है, ये तो यही करता है, डिल थ्रू होता है, मतलब जैसे कि ये होता है पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट वाला सिस्टम नहीं होता है, वो होता है इसमें सर। तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए ना कि भाई स्टेट आया, सिटी आया, सिटी के नीचे एरिया आया, तो वो ड्रिल थ्रू के लिए अलाउ होता है सर। और ये फिल्टर है कि फिल्टर जो लगा हुआ है लगा रहे, ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से फिल्टर को, इसके बारे में आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके। और इलेक्ट्रिक रिपोर्ट आता हूं, इसके अलावा ये तो आपने इसकी देखी वैल्यूज के बारे में, जो भी था वैल्यूज के बारे में आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर, तो एक्सिस इसमें एक्सिस नहीं है, एक्सिस आप डिफाइन कर सकते हो कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, लेकिन डिफॉल्ट लेता है, लेकिन कभी कभी इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसका एक्सिस जो है मिनिमम मैक्सिमम क्या होना चाहिए। इसके बाद आता है कलर, इसका जो कलर क्या होना चाहिए, तो मान लीजिए कि मैं करना चाहता हूँ इसको ग्रे, और इसको करना चाहता हूं ब्लैक, तो कलर भी इस तरह से कर सकते हैं। डेटा लेवल, डेटा का जो लेवल है उसका कलर क्या होना चाहिए, और उसका डिस्प्ले यूनिट ऑटो है या फिर आप मिलियन में, थाउजेंड में, लाख में, क्या करना चाहते हो वो कर सकते हैं। जब यहाँ के दिख रहा है,
1000 में उसका यूज करते हैं। टोटल साइज क्या होनी चाहिए, तो साइज के हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और फॉन्ट, अब फॉन्ट भी इसी हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए। वापस टारगेट पे आते हैं, इसका कलर जो है आपका टारगेट, जो टारगेट दिया गया ना, इसका कलर क्या होना चाहिए। तो इसका कलर मान लीजिए मैं रेड कर देता हूँ। सर पीछे से इसका शोर आ रहा है, म्यूट कर लीजिए सर। तो यहां पे क्या है कि टारगेट का जो ये कलर क्या होना चाहिए वो यहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने इसको ब्लैक कर दिया। उसके बाद इसका डिस्प्ले यूनिट, कि डिस्प्ले यूनिट क्या 1000 में, ये टारगेट जो यहां दिख रहा है, यहां हाँ ठीक है। और इसकी साइज अपने हिसाब से साइज को बढ़ा सकते हैं और इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो और आता है यहाँ पे कलेक्ट वाया, इसका कलर क्या होना चाहिए। इसका कलर का मान लो मैंने रेड कर दिया, तो ये देखिए जो बीच में दिख रहा है रेड हो गया। हाँ, कलर कितना यूनिट वगैरह दे सकते हैं। टाइटल, हर ऊपर टाइटल दिख रहा है आपको, टाइटल के जगह पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल सेल्स क्वांटिटी, ठीक है। रैप टेक्स्ट करना है कि नहीं करना है, जैसे कोई बड़ा हो गया तो क्या नीचे टूट के आएगा कि नहीं आएगा, इसका फॉन्ट कलर क्या होगा, इसकी बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, इसकी साइज क्या होना चाहिए, इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए। फिर इसकी बैकग्राउंड कलर पे हम आते हैं, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, व्हाइट के जगह और बैकग्राउंड भी दे सकते हो, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी, जैसे बैकग्राउंड कलर की ट्रांसपेरेंसी कितना परसेंट कम और ज्यादा रहेगा, वो अभी आप यहां से कर सकते हो। और यहां पे आपका जनरल जो पोजीशन की कहां रखा हुआ है, एक्स क्या है, वाई क्या है, हाइट विड्थ क्या है, ये आप यहां है, इसकी बॉर्डर डिसाइड कर सकते हो, टूल टिप डिसाइड कर सकते हो, और विजुअल जो है इसका विजुअल बता सकते हो कि विजुअल क्या होगा। तो ये चीजें आप इसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये करेंगे ठीक है। उसी तरीके से मैं, अब जरूरी नहीं कि एक ही है, मैं एक ज्यादा भी कर सकता हूँ। मैं एक और यहाँ रख दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपना रेवेन्यू रखना चाहता हूँ, और मेरे रेवेन्यूज में अपने टोटल जो ग्रांड टोटल है उस ग्रांड टोटल को मैंने रख दिया। और इसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वगैरह आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका जो टाइटल है, मैं फॉर्मेट में आता हूँ, और इसकी जो टाइटल है, इस टाइटल को जी टोटल की जगह पे रेवेन्यूज कर देता हूँ कि टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद इसकी रिसाइजिंग भी कर सकते हो, इसको बड़ा दिख रहा है आपको, तो इसको छोटा भी आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। उसके बाद अब बात यह है, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट वाइज टोटल आए, तो प्रोडक्ट वाइज टोटल हमने यहाँ पे ले लिया, तो मैं प्रोडक्ट वाइज टोटल के साथ साथ इसका डेटा भी चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे, मैं इसकी क्वांटिटी चाहता हूँ, तो क्वांटिटी हमने यहाँ पे डेटा आया हुआ है, डेटा की भी अपनी फॉर्मेटिंग है, हम बाद में बताएंगे इसके रिलेटेड। अब इसमें जो हमारे पास एक यहाँ पे आपके सामने दिखता है, वो आपका स्केप चार्ट दिख रहा है, दिख रहा है स्केप चार्ट। इस स्केप चार्ट को भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको ले लीजिए अपना स्केप कॉलम चार्ट, या बार स्केप बार चार्ट, या आपका कर्सर्ड कॉलम चार्ट। तो ये चार्ट के टाइप्स हैं, और जो भी चार्ट आप सेलेक्ट करते हैं उन चार्ट्स का यहाँ पे उसके फॉर्मेटिंग होते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉलम आपको खुद से ऐड करना हो तो भी उसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे देखना है यहां पे, यहां पे मैं रख दिया इसको। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्केप चार्ट है, तो मैंने मान लीजिए यहां पे एक सिटी है, ठीक है, तो मैं स्केप चार्ट को लिया और फिर इसको सिटी पे कर दिया। अभी इसी जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्केप चार्ट पे सिटी पे रखना जरूरी क्यों है, ये चीज़ को आप एक तरह से समझ लीजिए, लेकिन कुछ दिखा नहीं इसमें।
और मैं इसको मैप चार्ट पे चल लगा देता हूँ, जो हमारा मैप चार्ट है। क्या दिख रहा है? तो जहां का मैप चार्ट पे रेड ग्रीन दिख रहा है वो अपने आप से रेड दिख लिया। यहाँ पे मैप चार्ट में भी आपका एक मैप भी है, मैप भी है, ये बता देगा कि कहाँ पे क्या सेल है किस सिटी में, और देख सकते हो। और इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग है, तो मैप चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखिए, अगर आप सिटी वाली रिपोर्ट चाहते हैं और सिटी वाली रिपोर्ट में अगर आपने चार्ट सेलेक्ट नहीं किया है, अगर आपने आपने चार्ट सेलेक्ट नहीं किया है तो दिक्कत क्या हुआ पता है? दिक्कत ये हुआ कि वो मैप चार्ट ऑटोमेटिकली आपका मैप चार्ट ले लेगा। ऑटोमेटिकली आपका मैप चार्ट वो ले लेता है, ठीक है? तो पहले चार्ट डिफाइन कर लीजिएगा, अगर डिफाइंड है तो दिक्कत नहीं होगी, और उसकी भी फॉर्मेटिंग है। तो आपको जो है ये सारी फॉर्मेटिंग हम आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम रिपोर्ट को बनाते हैं, बनाने के बाद इसको विजुलाइज करते हैं, देखने के लिए देते हैं। और इसमें फॉर्म फिल्टर भी होता है, जैसे मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रैम को चाहिए, तो मैं रैम पे क्लिक करूंगा, तो यहां पे देखिए अब पूरे रिपोर्ट रैम के अकॉर्डिंग है, और वापस इसको क्लिक कर दूंगा तो रैम हट जाएगा। और कुछ पर्टिकुलर फिल्टर फिक्स करना चाहते हैं तो ये फिल्टर्स हैं, जो कि हम आगे क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें मेन चीज होता है कैलकुलेशन, राइट? क्योंकि इसमें हमारा ये जो डेटा है वो डेटा जो है सो ही है, लेकिन इसमें अगर मुझे खुद की कैलकुलेशन करनी हो, कुछ और चीजें निकालनी हो, जैसे मैं यहां पर निकालना चाहता हूं कि पर कॉल्स कितना आया, रेवेन्यू आया या क्वांटिटी आया, वो निकालना है, तो ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या करें कि जो विजुलाइजेशन है उसको एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है ना? और फिर कल से जो है हमारी कुछ क्लासेस जो है कंटिन्यू कैलकुलेशन पे चलेगी, और हम कैलकुलेशन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। नौ बजे से कोई बात नहीं सर, आपका क्या कोर्स ऐसे ही 10:15, 9:30 से 10:15 है ना? और संदीप जी की थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अर्ली होती है तो नहीं उठ पास, 9:30 बजे मुश्किल से आते हैं वो, हर दिन 10 मिनट लेट हो जाता है। हाँ तो ठीक है, तो